नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, 115 सी का मुकदमा चल रहा है, फिर भी चला दोनों पक्षों में लाठी डंडा। इंडिया टाइम न्यूज संवाददाता दनिश अहमद, यूपी जिला बलिया में कोतवाली बांसडी के क्षेत्र में ग्राम सभा चौरकैंड में जमीन को लेकर आज हुई यादव और हरजन में जमकर मारपीट। हरजन अशोक राम का कहना है कि 115 सी का मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद सुरेंद्र यादव अपने परिवार के साथ पहले से लाठी डंडे के साथ कब्जा करने का प्रयास किया, जिसमें अशोक राम की फैमिली बहुत बुरी तरह से मारपीट कर घायल हो गई है। मौके पर पहुंची 100 नंबर और 108 की दोनों मिल के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। रंजिश के लेकर के हुआ है, हमारे घर रिश्तेदार लोग आए थे जी। ये लोग जो है जिसके वजह से इन लोगों पर 115 सी मुकदमा चल रहा है, गांव जानता है। पूरे हमारे नाल खावा काट करके, सरकारी नाली काट करके घर बना लिए हैं सब, इसके बाद टाटी गिर लिए हैं सब। उसके बावजूद भी हमारे खावा आज काट रहे थे सब साजिश के तहत, पहले से डंटा और टांग हथियार धारदार हथियार से लैस। तो नाम बताएंगे? हाँ, सचिन यादव जी, पहले सुधीर यादव जो है श्रीराम का लड़का, पहले जो है खावा पर झाड़ झाड़ करके बाहर झाड़ रहा था, उन्हें टोका तो वो आकर के फावड़ा से हमारा पूरा जो है खावा ढहाने लगा। हम लोगों ने विरोध किया, कह रहे यार तुम अपना जमीन नापी क्यों नहीं करवा लेते, तुम्हारी मेमोरी जमीन है, गांव गवाह है, तुम जो है सरकारी नाली तुम्हारे मुकदमा 115 मुकदमा चल रहा है, तुम्हारे ऊपर तो आरोप है, हमारी घर हमारी खावा है, हम नहीं हिफाजत करेंगे। उसके तहत जो है जो हम लोगों ने विरोध किया तो पहले से लेस थे लोग। आपका नाम? हमारा अशोक कुमार राम। अच्छा, विवाद आपका किसके साथ था? अरे यार, सचिन कुमार यादव, पिता का नाम सुरेंद्र यादव, श्रीराम यादव। प्रशासन आई थी? हाँ, प्रशासन आई थी, लेकिन हम लोगों से बात सुन करके यहाँ काफी देर समय उन लोगों की यहाँ गुजारी है, उसके बाद फिर लौटे नहीं हम लोग के यहाँ, हम लोग इंतजार करते रहे। प्रशासन के सामने गोली मारे के कहा, प्रशासन के सामने वो लोग गाली दे रहे थे, प्रशासन बांसडी थाना आई थी कि मनियर थाना आई थी? 100 नंबर थी कि 100 नंबर था? 100 नंबर था, चलिए ठीक है।